दिखा के इसको रवाना करेंगे। पांचवी बार यहाँ पे सुनवल जी, जी पांचवी बार बसपा सरकार जी। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चार बार आदरणीय बहन जी ने जो काम किया है सर्वे हिताय सर्वे चुकाए के आधार पर, तो उसी काम को हम लोग बताएंगे और सभी लोगों से सभी जाति धर्म बिरादरी में भाईचारा बना करके हम सबसे अपील करेंगे कि आप एक बार फिर से मौका बहुजन समाज पार्टी को दें और पांचवी बार बहन जी को सीएम बनाएं। ये हम सब बातें रथ यात्रा के तहत हम रहेंगे। लगभग 403 विधानसभाओं में आप जाएंगे जी, गांव गांव तक ये गाड़ी जाएगी, क्या क्या मैसेज दे रहे हैं? हम लोग लगभग एक दिन में 100 गांव अटेंड करेंगे एक विधानसभा के, मतलब 20 गांव को अटेंड करेंगे और बाकी गांवों से हम निकलेंगे। तो हम लोग 100 गांव में मैसेज छोड़ते हुए जाएंगे। लगभग 200-250 गांव होते हैं एक विधानसभा में, उसमें से हम 100 गांव में से अपनी यात्रा को निकाल देते हैं, तो इस आधार पर हमारी पूरी विधानसभा में जो है जागरूकता बन जाएगी पार्टी को लेकर के। आपने 1,00,000 बसपा के झंडे लगाने का भी? हाँ बिल्कुल, ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा जिसमें 1,00,000 झंडे एक विधानसभा में, लगभग 250 झंडे हमारी तरफ से लगेंगे। बाकी और जो लोग साथी अपनी स्वेच्छा से देना चाहेंगे उनकी भी हम लोग लगाएंगे, कैडर कैंप करेंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे, इस प्रकार से हम लोग 5 सूत्रीय कार्यक्रम करेंगे। मीडिया के माध्यम से कोई अपील जनता से करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम अपील करना चाहती है कि जो नई नई पार्टियां बन रही हैं उनसे आपको बचना है। आपकी पार्टी महापुरुषों की पार्टी, मान्यवर साहब कांशीराम जी की पार्टी, उनके खून पसीने की पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। अपने घर को आप लोग, छोटी मोटी कोई बात हो, हालांकि ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि छोटी मोटी बात हो तो इस महल को, जो बीएसपी का जो महल है, बीएसपी रूपी जो महल है मान्यवर साहब कांशीराम जी का, इस महल को आप रिपेयर कर लें ना कि रिप्लेस करें। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद में ये हमारी ये अपील है पूरी टीम की कि आप फिर से पांचवी बार बसपा सरकार बनाने के लिए सभी लोगों से आप लोग अपना अपना मैसेज दें और बहन जी को पांचवी बार सीएम बनाएं। के साथ हम लोग आप सबसे ये अपील करते हैं पूरे देश के, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस लें, चाहे वो पार्टी के अंदर हैं, चाहे वो पार्टी के बाहर हैं, चाहे वो किसी पद पर हैं, चाहे वो किसी पद पर नहीं हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ में इस मिशन, इस मूवमेंट, इस पार्टी और इस समाज की कमजोरी को मजबूती देनी है। इसी आशा के साथ मैं आप सब लोगों से उम्मीद यही करता हूं कि आप सब लोग ताकत के साथ में अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और हमारा जो ये रथ आ रहा है इसके साथ में आप लोग मजबूती से काम करेंगे, हम आप लोगों के बीच में आएंगे। बिल्कुल बात आपकी जायज है। अगर आप देखेंगे तो जो कांशीराम विचार यात्रा है वो डिजिटल प्रोग्राम है, इसी को जैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे और जो बीएसपी की नीतियों को बताएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, तो ये उसी प्रकार का कार्यक्रम है। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में। सर्जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ के निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ के निशान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और पीछे से रथ के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से जो, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।